कहाँ जा रहे बेटा? कहाँ जाना है आपको? हाँ? कहाँ जाओगे? कहाँ? और अच्छी का नया बोतल कल लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो उसका बॉटल जो लाई थी ना लास्ट टाइम, नया कुछ दिन पहले ही लाई थी, और वो ना क्लास गया ना तो कोई बच्चा से ना गिर गया, तो इसका कैप ही टूट गया यहाँ पे। तो इस बार ना स्टील का बॉटल लेकर आई हूँ, और ये कुछ पूजा का बर्तन है वो धो लूँगी मार्केट से आने के बाद। अभी मुझे बाहर जाना है। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज डे है मंडे और डेट है 26th of August, और अच्छित का आज तो छुट्टी है क्योंकि आज इधर जन्माष्टमी है। तो सब नहा लिया है और एक बॉटल ले लिया है। एक्चुअली मैं अभी जाऊंगी शॉपिंग जाना है। कुछ सामान कल लाई थी मार्केट से जाकर और कुछ ना भूल गए लाना, और तो आज फिर से अभी जाएंगे बस इन लोग को यहीं पे छोड़कर। बस 5 मिनट का काम है, वो साबूदाना लेना है और फ्रूट्स लेना है पूजा के लिए। और भगवान जी का ना एक दो चीज़ छूट गया है, वो ले नहीं पाए, याद नहीं रहा, भीड़ भी काफ़ी थी ना, तो कुछ सामान लिए हैं और आधा अधूरा सामान लेकर आ गए थे। तो आज फिर से अभी जाऊँगी बस 10 मिनट का। तो अभी पूजा कर लेते हैं, सुबह का जो पूजा है बाल गोपाल जी को नहला देंगे दूध और गंगा जल से ही फिलहाल, और नया कपड़ा पहनाकर भोग लगाकर अभी रख देंगे। फिर शाम में जो पूजा होती है रात में 12 बजे वो करेंगे। तो अभी जाएंगे शॉपिंग और देवांश भी जाने के लिए रेडी है, बॉटल लिए हुए, बट इसको लेकर नहीं जाऊंगी, ये सब टीवी देखेगा। और मैं चलती हूँ अभी पूजा करने, ठीक है? और आज भी जन्माष्टमी है, कल भी जन्माष्टमी है, बट मैं आज मंडे 26 को कर रही हूँ, मथुरा वृंदावन में 27 को है। तो चलिए पूजा करते हैं। अभी मॉर्निंग का जो पूजा है टाइम हो गया है 9:30, 10, हाँ 10 बज गया है और अभी तक पूजा नहीं हुआ है। और रात में बारिश हुई थी इधर, आज भी मे बी बारिश तो होगी, पक्का आज बारिश होगी। और मौसम भी थोड़ा हवा चल रही है, धूप छांव हो रहा है, इस तरीके का है। और तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, हैप्पी कन्हैया जन्माष्टमी। अच्छी बोल रहा है अच्छी। तो अभी चलते हैं पूजा करने, और वो बाद में पूजा करने के बाद फिर मिलते हैं, ठीक है? कोई नॉर्मल जो पूजा होता है वही करेंगे, तो वीडियो नहीं बनाऊंगी उसका, पूजा करने के बाद बस दिखा दूंगी एक झलक, ठीक है? तो अभी सुबह में भी पंचामृत स्नान करवाएंगे, दूध दही शहद चीनी घी, और लास्ट में जल या गंगा जल से साफ मतलब नहा देंगे, स्नान करवा देंगे। तो उनको भी आज नया कपड़ा पहनाएंगे, लाई हूँ नया, पहले से भी था और कल भी लेकर आई हूँ, आज फिर एक लेकर आऊंगी, तो वो भी दिखाती हूँ कल क्या क्या लेकर आई हूँ। और कुछ सामान है, कुछ फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स भी लाना है वो पाक वगैरह बनाने के लिए। और तो ठीक है, तो चलिए। और इसके बाद अभी भोग भी बनाएंगे, मखाने साबुदाने की खीर बनाएंगे, और एक धनिया की पंजीरी, और पाक बनाएंगे, और यही सब बनेगा। और अच्छी थी, इधर आओ ना, क्या कर रहे हो? हटाओ। और देवांश बनेगा आज कृष्ण कन्हैया, और देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो तुम? गंदा ना था बेटा, उसको मुंह में ले रहे हो, गंदा ना दीबू। इधर आओ तुम, क्या कर रहे हो बताओ, क्या कर रहे हो? इधर आओ। अरे बॉटल लेकर बिल्कुल खड़ा है कि मैं शॉपिंग जाऊंगा ही, बट इन लोग को लेकर ही नहीं जाना है, मैं बस 5-10 मिनट का काम है, आ जाऊंगी करके। चलो चलो पूजा करते हैं, चलिए पूजा करते हैं। हाँ हेलो बोल दो, हेलो मम्मा। चलो हाय कर दो, हैप्पी जन्माष्टमी, बोल दो हैप्पी जन्माष्टमी, बोल दो हैप्पी जन्माष्टमी, बोल दो हैप्पी जन्माष्टमी, बोल दो हैप्पी जन्माष्टमी, मुझे भी बोलना है हैप्पी जन्माष्टमी, बाय 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 बाय। चलो चलो चलो, हो गया हो गया हो गया, चलो अपना काम करो जल्दी जल्दी से, पूजा करो, चलो चलो पूजा।
तो पूजा हो गई है, मॉर्निंग का जो पूजा है कर ली हूँ और अभी जल्दी से जाऊँगी मार्केट। फिर मार्केट से आने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे बाल गोपाल जी को भोग लगा दी हूँ, नया कपड़ा पहना दी हूँ सिंपल सा। और इधर लाइट अभी थोड़े टाइम के लिए कट गई थी तो थोड़ा डार्क सा लग रहा है। मैं निकलती हूँ अभी मार्केट, यहाँ से की और कुछ कॉइन चेंज ले लेती हूँ पैसा, फिर मिलते हैं मार्केट से आने के बाद, ठीक है। तो अभी गई थी मार्केट और मार्केट से आ गई हूँ, थोड़ा मोड़ा जो सामान लाना था तो लेकर आ गई हूँ। और बनाना लाना था, देखिए ऐसा बनाना मिल रहा है अभी मार्केट में, तो ये 6 पीस लाई हूँ, ज्यादा नहीं, पर पूजा में ही यूज करना है। तो फ्रूट्स में ये हो गया, एक खीरा है, खीरा कल ही लेकर आ गए थे। और इधर है एप्पल, एप्पल लाए हैं, एप्पल ये सब ना संडे को ही लेकर आ गए थे। एप्पल है इतना, मतलब कि इसको निकाल कर रख लेते हैं। बुरा एप्पल लाइयो, वीडियो बना रही हूँ, अभी नहीं खाएगा, अभी नहीं, अभी पूजा के बाद खाना। तो इतना सारा ये फ्रूट्स हो गया 3, और खीरा भी है, वो सब अलग अलग रखा हुआ है ना, एक ही साथ नहीं लाई हूँ, तो ये दो ही खीरा लाई हूँ। धो दो बेटा, धो लो भैया, अच्छे धो दो इसको, धो दो पानी से फिर खाना, अभी सुनेगा ही नहीं। और ये खीरा, छोटा छोटा सा खीरा है, बोलाए हैं, ये हो गया फल इतना। अब तो एक लेकर आई हूँ मखाना, और इधर है काजू, और ये चना है, अभी इसको फूलने के लिए दूंगी। और धनिया लाई हूँ, और ये नारियल का गोला है, 3 नारियल का गोला है, सब वैसे ही रखा हुआ है, तो ये इसको हटाएंगे रखेंगे। और एक साबूदाना का पैकेट, हम लोग खीर बनाते हैं साबूदाना का, भोग लगाते हैं तो ये जरूरी है, तो एक लाई हूँ छोटा सा ही पैकेट। और ये बादाम है, पूजा के लिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ले आते हैं क्योंकि पहले से ही रखा हुआ रहता है। और एक दही लाई हूँ, ये मिष्टी दही जो होता है वो। और एक बटर का पैकेट है, ये पूजा के लिए ना यहाँ मिलता ही है, बिना नमक का रहता है, अनसॉल्टेड, तो ये लेकर आई हूँ। और ये तो हो गया पूजा पाठ का। और ये चीनी है, चीनी लेकर आए हैं 2 kg, तो ये हो गया, इधर हो गया मेरा सब ड्राई फ्रूट्स इसमें हो गया। अब पूजा में क्या लेकर आई हूँ मैं, और भी क्या क्या है, एक ये आसनी अच्छा लगा, राउंड शेप में है, अच्छा लगा तो ले आई, एप्पल खा रहा है बच्चा है तो मांग कर खाता है। और यहाँ पे घी लाई हूँ, 1/2 kg है, तीज में भी काम आ जाएगा, ये गंगाराम का है, यहाँ का फेमस है, स्वीट शॉप है, वहीं पे मिलता है, तो ये ले आए हैं 1/2 kg, क्योंकि तीज भी आ रहा है, उसमें भी कुछ प्रसाद ये सब बनाते हैं, उसमें भी काम आ जाएगा। अब आप लोग को दिखाती हूँ और क्या लाई अभी, हाँ एक ये आसनी लाई, राउंड शेप में है, और येलो कलर का एक आसनी लाई, बड़ा सा है ना, बड़ा है मेरे पास, फिर भी हर बार पूजा के लिए कुछ नया लाती हूँ। एक लाई हूँ, एक खीरा को लपेटने के लिए, हम लोग खीरा को लपेट कर ना दूध में डुबाते हैं इस तरीके से, पान का पत्ता है 5। और इधर है माला लाई हूँ, कुछ ऐसा है, और एक खाने का सीसी है, वो इधर रख देते हैं, तो ये हो गया। और हमारा हो गया एक कथा का बुक मिल रहा था तो इस बार लेकर आई हूँ। और एक कमल का फूल लाई हूँ, एक माला गेंदे का, आज तो बहुत महंगा दे रहा था सब कुछ, 35 रुपये का एक दिया है फूल माला। और एक बतासा लाई हूँ, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ही लाते हैं क्योंकि ज्यादा लेकर रख दे नहीं है ना, खराब हो जाता है, क्योंकि मिलता है तो थोड़ा ही ले आते हैं जब भी खत्म होता है। अब दिखाती हूँ ड्रेस मैं कैसा लेकर आई हूँ, येलो कलर का ही ड्रेस लेती हूँ, तो इस टाइप का है, कुछ ऐसा है। बाहर में और भी अच्छा अच्छा मिलता है बट मैं अंदर से ही शॉपिंग कर लेती हूँ, और अंदर थोड़ा महंगा भी देता है, तो इस टाइप का ड्रेस है, कैसा लगा बताइएगा। येलो कलर का ही लेते हैं हर बार, मैं इस दिन तो येलो कलर का ही लेती हूँ, और ऐसे कोई भी कलर का ले लेते हैं। और ये मुकुट है, कुछ ऐसा मुकुट है, कॉन्ट्रास्ट में ली हूँ इस बार, मैचिंग नहीं, ये वर्क है ना येलो कलर का, तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, तो ये है। गर्मी बहुत लग रहा है, पूजा रूम में बैठे हैं ना, और ये माला हो गया, तो यही है
थोड़ा सा सामान और एक बांसुरी लाई हूँ, ऐसा है। ये हो गया, ये सबको इकट्ठा ना एक जगह रख देते हैं और बतासे फूल को, पान का पत्ता को फल वाले में रख देते हैं। तो अभी बहुत काम है, अब चलती हूँ मैं भोग बनाने के लिए। देखेंगे उसका वीडियो बन पाएगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर उसको स्किप कर देंगे, बनाने के बाद उसको दिखाएंगे। फिर चौकी भी लगाना है, काफी सारा काम है अभी। और एक ही हाथ का कड़ा लाई हूँ, एक छूट गया था, एक 50 रुपीस का ये दिया है, अच्छा सा है, ठीक है। तो यही है जो भी है। और मोर पंख लेकर आई हूँ, वो तो लाना चाहिए। तो मैं कल गई थी ना मार्केट, तो कल ही मोर पंख ये सब लेकर आ गई थी। बाहर में तो 5 रुपीस का दिया, आज तो 50 रुपीस बता रहा था एक मोर पंख का। मैं बिलू ही बस प्राइस पूछी तो चलिए सबको इकट्ठा रख देते हैं और अभी जाकर पहले भोग लगाएंगे। और फिर उसके लिए भी एक चूल्हा लाई हूँ, इलेक्ट्रिक का चूल्हा है, तो उसका भी आप लोगों के साथ शेयर करना है, रिव्यू तो नहीं है। तो आगे मिलते हैं अगर भोग बनाने का, छोटा छोटा सा क्लिप ले लेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा काम है अभी, पूजा तो घर का हो गया है। तो छोटा छोटा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कमेंट कीजिएगा। एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अच्छी यहाँ खड़ा है, देखिए यहाँ पे क्यों खड़ा है, टीवी मैं इसको ना पॉज करवाई, बोल रहा है कि टीवी ऑन कर लूं। चलो ठीक है, जाओ आप चला लो। तो चलिए अभी चूल्हा का आप लोगों के साथ शेयर करते हैं किस टाइप का चूल्हा मैं ली हूं। तो यही है, अभी एक छोटा सा शेयर करी आप लोगों के साथ। तो जो भी सामान लेकर आई हूँ, तो ये पाक बनाऊंगी ना, भोग जो बनाऊंगी वो सब के लिए दही लेकर आई हूँ। पंचामृत स्नान करते हैं ना तो करवाते हैं ना, तो इसीलिए मैं बना नहीं पाती हूँ अलग से, इसीलिए ले लेती हूँ। इधर फ्रूट्स है, उधर कपड़ा था, इधर फूल माला, पालन का पत्ता, बतासा, ये सब रखा हुआ। इधर दूध लेकर जो रखा हुआ है उसको मैं अभी गर्म करने के लिए लगाऊंगी। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइट भी आ गई थी, और इधर दो मोर पंख लेकर आई हूँ, 5-5 रुपीस में दिया है। और इधर झूला देखिए रखा हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी जन्माष्टमी।